हेलो फ्रेंड, कोटा किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है दही भिंडी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम भिंडी को अच्छे से धोकर कट कर लिया है। सारी भिंडियों को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के गरम करेंगे। तेल गरम होने पर हम सभी भिंडियों को इसमें डाल देंगे। भिंडियों को हम शैलो फ्राई करेंगे। उलट पुलट करते हुए हम भिंडियों को पकाएंगे। यहाँ हम भिंडियों को 75% पकाएंगे, बाकी की बची हुई मसाले के साथ दोबारा पकाएंगे। तो जब तक भिंडी पकती है, हम मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने दही लिया है 1.5 बड़ी चम्मच। इसमें मिलाई है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। सभी मसालों को अच्छे से दही में मिला लिया है। चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से मिला लिया ताकि दही भी अच्छे से फिट जाए। सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये मसाला दही वाला तैयार है। अब हम भिंडी को चेक करेंगे। तो यहाँ हमारी भिंडी अभी पकनी बाकी है, हम इसे और पकाएंगे। तो भिंडी पक कर तैयार है, इसे हम तेल से अलग कर लेंगे। इसी बचे हुए तेल में हम बाकी के मसाले पकाएंगे। तो यहाँ तेल गरम है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। साथ में डालूंगी 1 चुटकी हींग और 2 हरी मिर्चें, जिसको मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ में डालूंगी 1 बड़ा कटा हुआ प्याज और 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिन्हें भी मैंने बारीक कट कर लिया था, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। सभी को मिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। 2 मिनट में ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। तो ब्राउन कलर आ चुका है। तो यहाँ हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच हल्दी। तो हल्दी का पाउडर मिला लिया। अब 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इसको भी मिलाएंगे, अच्छे से मिला देंगे। इसको 1 मिनट तक पकाया है और अब हम दही वाला मसाला इसमें मिला देंगे। तो दही वाला मसाला मिलाते वक्त हमें गैस की आंच को कम करना है।
उससे हमारा दही फटेगा नहीं। आंच मैंने बिल्कुल कम कर दिए। अब दही वाले मसाले को अच्छे से हिलाएंगे। तो इसको अच्छे से हिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। अब ये देखिए, तेल अलग हो गया है, मसाला पक चुका है। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी को मिला देंगे। अब मसाले में भिंडी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया भिंडी में। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। तो 5 मिनट बाद हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।